ये वीडियो बालाघाट जिले का है, जहां 15 अगस्त के दिन अधूरे में ही झंडा फहरा दिया गया, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। ये मामला बालाघाट के लांगता में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय का है, जहां ध्वजारोहण का तमाशा बना दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉलेज की महिला प्रिंसिपल सुनीता वैद्य ने स्टाफ के सामने तिरंगे को आधी ऊंचाई पर ही फहरा दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कॉलेज के स्टाफ के अलावा छात्र भी मौजूद हैं, लेकिन सबकी मौजूदगी के बीच खुलेआम तिरंगा आधे में ही फहरा दिया गया और मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रह गए। वहीं अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग अब इस मामले में प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है, 15 अगस्त को लामता स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम था 15 अगस्त के दिन। उसमें हुआ ये कि कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता वैद्य के द्वारा 5 से 6 फीट की ऊंचाई पे झंडा फहरा दिया गया। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होता है, हम मानते हैं कि झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ध्वजारोहण तब होता है जब झंडा रस्सी खींचते हैं, ऊपर जाने के बाद फिर ध्वजारोहण होना चाहिए, लेकिन 5 से 6 फीट के अंदर उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया। चूँकि ये तिरंगे का अपमान है, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। इन्हीं सब कारणों के द्वारा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चूँकि मैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय आयुक्त साहब से ये मांग करता हूँ कि ऐसे, चूँकि जो शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक एक दीपक रूपी होते हैं, और दीपक रूपी शिक्षक जो होते हैं स्वयं जल करके दूसरों को उजाला देने का काम करते हैं। यदि हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम द्वारा ही ऐसे ध्वजारोहण किया जाएगा तो ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल पद से पृथक किया जाए। जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए वर्षों से लोग जान की बाजी लगाकर देश के लिए कुर्बान होते आ रहे हैं, उसी तिरंगे के सम्मान में 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं और तिरंगे झंडे का अपमान करके तमाशा बना देते हैं। ऐसे मामले पर लगाम लगाने में शासन प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लेलारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।